दोस्तों आज के समय में धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। वैसे तो ये किसी व्यक्ति का अपना निजी मामला होता है, लेकिन कई बार इसके लिए लोगों को लालच दिया जाता है या तो फिर डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी अपना धर्म बदलता है तो इसमें इन दोनों ही कारणों की संभावना कम हो जाती है। दुनिया भर में कई ऐसे क्रिकेटर भी रहे हैं जिन्होंने अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाया हो। इनमें से कई क्रिकेटर्स भारत के भी हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला है। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के पिता हिंदू और माँ ईसाई हैं। उथप्पा 25 साल की उम्र तक तो हिंदू रहे और इस बीच उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपना नाम भी बना लिया, लेकिन 2011 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अभी भी वो ईसाई धर्म का ही पालन करते हैं। हालांकि उथप्पा की शादी एक हिंदू लड़की से हुई है, इन्होंने ईसाई और हिंदू दोनों ही रीति रिवाजों से शादी की थी। उथप्पा ने सब कुछ पाने के बाद भी अपना धर्म क्यों छोड़ा ये किसी को नहीं पता। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वेन पारनेल ने इस्लाम की ओर आकर्षित होकर अपना ईसाई धर्म छोड़ दिया। 30 जुलाई 2011 को पारनेल ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हालांकि उस समय के कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसके पीछे उनके दोस्त हासी मामला का हाथ था, लेकिन बाद में टीम मैनेजर ने यह साफ कर दिया था कि पारनेल के फैसले में आमला और ताहिर दोनों में से किसी का हाथ नहीं है। धर्म बदलने के बाद वेन पारनेल ने अपना नाम वलीद रख लिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कामली का जन्म पुणे के एक हिंदू परिवार में हुआ था। 1998 में कामली ने एक ईसाई लड़की से शादी की जिससे उनका तलाक हो गया। कामली ने दोबारा शादी की और इस बार भी लड़की ईसाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और ईसाई बन गए। हालांकि बाद में इस पर सफाई देते हुए कामली ने कहा था कि यह उनका निजी मामला है और वो अब भी हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज तिलकरत्न दिलशान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। उनका नाम था ताइवान मोहम्मद दिलशान। दिलशान ने इस्लाम छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। माता पिता के अलग हो जाने के बाद दिलशान ने अपना धर्म और नाम दोनों ही बदल लिया। दिलशान की माँ बौद्ध धर्म की थी तो उन्होंने अपने माँ का धर्म अपना लिया। श्रीलंका के ही एक और खिलाड़ी सूरज रणदेव का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका असली नाम मोहम्मद मसरूक था, जिसे बदलकर उन्होंने सूरज रणदेव कर दिया। भारत में खेले गए 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सूरज रणदेव श्रीलंकाई टीम का हिस्सा थे। 2019 में सूरज रणदेव ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां वो एक बस ड्राइवर है और लोकल क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलते हैं। सूरज रणदेव दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर थे और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते थे। बांग्लादेश के महमूदुर रहमान राणा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका नाम विकास रंजन दास था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मदुर रहमान राणा कर लिया। लेकिन बांग्लादेश टीम में सिलेक्शन के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपना नाम बदलकर मोहम्मदुल हसन कर लिया और मोहम्मदुल हसन के नाम से ही बांग्लादेश के लिए एक टेस्ट भी खेला, लेकिन यही मैच उनका पहला और आखिरी मैच साबित हुआ। दाएं हाथ से बैटिंग और बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले मोहम्मदुल हसन फिर कभी टीम के लिए नहीं खेल पाए। पूर्व भारतीय खिलाड़ी कृपाल सिंह अपना धर्म बदलने वाले पहले क्रिकेटर थे। सिख परिवार में जन्मे कृपाल सिंह ने शादी के लिए ईसाई धर्म अपना लिया। अपने क्रिकेट करियर के बीच में ही उन्हें एक ईसाई लड़की से प्यार हो गया और उससे शादी करने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कृपाल सिंह ने अपना नाम बदलकर अर्नोल्ड जॉर्ज रख लिया। उन्होंने पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया और दाढ़ी हटा ली थी। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक यूसुफ योहाना का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। 2005-06 में तबलीगी जमात के नियमित प्रचार सत्र में भाग लेने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ कर लिया। उनके साथ साथ उनकी पत्नी ने भी इस्लाम को अपनाते हुए अपना नाम तानिया से बदलकर फातिमा रख लिया। हालांकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान टीम में किसी गैर मुस्लिम के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल है। दानिश कनेरिया इसका एक उदाहरण है, जिन पर बार बार धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा नहीं करने पर उनका करियर बर्बाद कर दिया गया। यूसुफ योहाना के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और अपना करियर और जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तिलक रत्न दिलशान के साथ भी मोहम्मद शहजाद का एक वीडियो देखा ही गया है, जिसमें शहजाद दिलशान से वापस इस्लाम अपनाने के लिए कहते दिखाई देते हैं, वो भी बीच ग्राउंड में खेल के दौरान। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद।